जय श्री राम, जय माता दी। तो आज को अपना ब्लॉग यही कदर चालू हो कि सबसे पहले अपन बनावा जूस, वो भी कहीं कोई आदत आप है चुकंदर और अनार को, क्योंकि आदत पड़ चुकी है हमारी खून बढ़ावा की, क्योंकि लोग बाग मारो घणो खून पीवे है, तो ये चक्कर में बनाने चुकंदर को जूस पी पीने यू काम चला रहा है। और दीदी बना रही है माता जी के भोग के लिए खीर, और अपन भी तैयार व्यार होन चाल पड़े आप माता जी का टीम। तो हनी भाई साहब भी देख रहे हैं हमारे साथ, मैं भी ले चलो। तो माता जी का हवन में छावे पीली, तो पीली खोद बगाड़ने हमने डावल चौराहे पे एक जगह थोड़ा सा खोदाई करी और वहाँ से पीली लेके आ रहे हैं। और ये नेक काम करा हमारी माताश्री ने, और जो दिख रही है ना मेरी माताश्री, वो पीली खोदने जा रही है। फिर माता जी का मंदिर पहुँच जावा, मम्मी पापा ने फोन लगा रही कि आ जाओ पूजा चालू हो वाली है। और ये भाई साहब जान के ढूंढ रहे हैं खजाना वजाना छुपा रखे हो इन्होंने। जो जो पापा भी आ गया और पंडित जी भी आ गया और हवन की लकड़ियाँ भी ले आया। हवन को सेटअप जमा लियो अपना ने, अब कहीं है कि ई में डालेंगा अपना हवन की लकड़ियाँ। दीदी और मम्मी सब तैयार हो चुके हैं, अब धीरे धीरे पंडित जी जमा रहे हवन को साधन, और पापा देख रहे हैं जो उन्हें लुंगी उंगी लाए हुए हैं। फिर उनके बाद पंडित जी ने मार से दो चार काम कराया, वे गई गणेश जी की अर्चना और ये कराई माता जी का हवन के से पहले जो तैयारियाँ हुआ वे मुकर रही हो। तो सापी वापी बांध अपन भी तैयार हो गया। फिर इनके बाद पापा इंतज़ार कर रहे कि कब मैं उठूँ और फिर कभी कपड़ा वपड़ा चेंज कर फिर हवन में बैठेगा। तो बहुत जल्द हवन की तैयारी हो चुकी है अपनी। अब इसके बाद क्या है कि दीदी और मम्मी मेरी शक्ल देखने में लगे हुए हैं कि भाई ये कब फ्री होगा, कब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इधर माता जी की अर्चना करने के लिए तैयारी हो चुकी है अपनी। अब पंडित जी देख लो एक बार, ये हमारे गाँव का पंडित जी हीरा लाल जी पंडित जी। तो अपन ना के साफी वापी बांध कर डाकू लाग रहे, और कपिल भाई साहब भी अपने साथ हवन में बैठेगा। तो पहले उन आके भी तिलक विलक हो रही, ये हवन कुंड तैयार हो गया। और पापा भी धोती वोती पहन, लुंगी उंगी पहन, छापी वापी डाल, एकदम पंडित जी बन तैयार हो गया हवन में बैठवा गाड़ने। खुश देखो कत्ता खुश हो रहे अभी। तो ये बैठे पापा, अब पापा के साथ मम्मी बैठेगी जोड़ा में। वापिस जना का पुराना दिन याद आ गया है जब मांडा के दिन भी ऐसे बैठे थे ही। ये देखो बाकी थोड़ा सा बुढ़ा हो गया, बाकी पहले ऐसे बैठे थे ना, गट जोड़ बन गई साथ फेर आएगी। ये देखो देखो खुश देखो पापा का चेहरा पे। दीदी कह रही कहनी यू कट जोड़ थोड़ा जोर से बांध जो इना को जो ज़्यादा दिन तक चले, दो घना लड़ाई दो बालक माग कर गई। तो ये हवन की तैयारी चालू, गट जोड़ बंद गया, मम्मी चेक करी कहीं ढीला नहीं रह गया हो, तो वो टाइट बांध रही है। तो ये साकड़ वाकड़ तैयार और अपन तैयार, दीदी भी एक दो फोटो ले रही है, और ये माता पे भी लाड़ा लाड़िया बांधे नहीं बांध रही है पंडित जी। देखो अटी मम्मी के बंद गया, पापा की बारी। तो हवन की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है कंप्लीट, बस अब हवन करना है। हवन करते टाइम फोन नहीं चलाऊँगा तो आप ये ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगा वो। एक बाद आप कहेंगे कि हवन एक तरीका से पूरा हो गया और आप पंडित जी दान दक्षिणा दे रहे हैं, तो पंडित जी हैं पैसा देख खुश हो गया, पंडित जी भी दान दक्षिणा है। एक बाद पापा की बहन, माँ की बुआ जी, पानी बुआ जी, मम्मी और पापा के दो के कपड़ा लाए, जो कपड़ा ओढ़ा उड़ो रही, तिलक विलक लगान कंप्लीट। तो पेंट पुसट तो पापा के आया, यार मम्मी के लुगड़ी लेके आई हुई, मम्मी लुगड़ी पहने को नहीं फिर भी आज तो ओढ़ा देगी। तो यार छापी ओढ़ा रही है पानी बुआ जी, छापी नहीं टावल है, टावल ओढ़ा रही है। इधर मम्मी भी इंतज़ार कर रही है, और दीदी देख रही है कि पापा का ब्लॉग बन रहा है नहीं बन रहा। तो पापा का कंप्लीट ब्लॉग बनाया जा रहा है। तो ये मम्मी की बारी, पानी बुआ जी मम्मी और को गट जोड़ो क्यों लागी, क्योंकि इनाओ काम रहे हो। तो ये मम्मी के लिए लुगड़ो लेके आएगी पानी बुआ जी बढ़िया वालों। तो मम्मी और खुश हो रही एकदम, तो देखो नवी नवी लाड़ी बन के घूम रही मार मम्मी। तो ये जो माता पे जो पंडित जी ने बांधे था, ये पानी बुआ जी खोल रही, इना की भी दक्षिणा लागे फिर इना के। और अटी देखो अटी पिताजी की बारी, अब पिताजी का इमेज खुल रही। हवन करे बस सीधा खेत पर आ जाओ, क्योंकि जो आप लोग करते हुए उतनी पानी पड़ोगा अपना है रोज़ पौधा दाना पानी पिलाबा को। या बुरी मैडम डांस करके दिखा रही, ये मैं ऐसे डांस करती हूँ, तो अतरंगी डांस। और इतनी आलसी होगी उठ के नहीं आती, तो फिर इसको क्या है कि मैं यहीं खाना ला के दे देता हूँ, जो कपिल और के घर पर कब्जा कर रखा है इसने, इसके भी आधा प्लाट नाम होएगा। फिर ये मैडम खाना खाती है, थोड़ी देर हम इंतज़ार करते हैं, फिर मम्मी के लिए भी खीर बना के लाओ जी, ये भी खीर खिलाओ है, खा ले मैडम तू भी खा ले, आज तू भी एक तरीके से लड़की है तो लड़कियाँ के पूछा हुआ है। फिर एक बात, घर जाके आप ठाट से सोऊंगा, अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करा, अगला ब्लॉग में मिला, जय माता दी।